पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अरे देखिए आप इसे, वही लड़की है जो कल आपने देखा होगा टीवी पे आई थी, लाइव टीवी पे ये अपने बॉस पे डोरे डाल रही थी। ऐसी लड़कियां कैसे, तुम क्यों ऐसा सब करती हो? हाँ ये तो वही है, बड़ी बेशरम लड़की है बाबा ये तो। हाँ आपने देखा था भाई साहब, ये लड़की ना हमारे जैसे शरीफ लोगों के मोहल्ले में रहने लायक ही नहीं है। अरे ये कुछ भी बकवास कर रही है यार ये तो। आंटी जी देखिए ना, ये लड़की मेरे पति के पीछे ही पड़ी है, आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। आंटी जी आपको पता है, रात को ये मेरे घर आ गई थी, पहले इसने अपने बॉस पे डोरे डाले, अब मेरे पति को फंसाना चाहती है। क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त के बारे में ऐसे बात करने की? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी दोस्त करती है ऐसी हरकतें, मैं क्या करूं? अरे हम सबने देखा है, सबने वीडियोस देखी है, सबने टीवी पे देखा है, बताइए देखा है आपने कि नहीं? बताइए आंटी जी देखा है ना आपने? सबने देखा है इसको। तू ज्यादा कर रही है, तू इससे बदतमीजी नहीं कर सकती। अच्छा और तुम लोग आके मेरे घर पे क्या हो रहा है ये सब? इंस्पेक्टर सर थैंक गॉड आप आ गए, आप देखिए ये वही लड़की है जिसका वीडियो कल टीवी पे वायरल हो रहा था। पहले टीवी पे तमाशा किया, अब यहाँ सड़क पे कर रही है, ऐसे लोगों का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं। ऐसे लोग ना दूर ही रहे तो ही ठीक है। देखो कल बॉस के साथ हंगामा किया, आज किसी और के साथ हंगामा कर रही है, अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। कहाँ से आती है इतनी बेशर्मी? आपने मुझे खत्म कर दिया रेयांश, मेरा वजूद, मेरा नाम, मेरी शर्म, मेरी इज्जत, सब खत्म। मैं कल तक आराधना सहानी थी और आज हर जगह से निकाली जा रही, इस शहर में कहीं मुंह नहीं दिखा सकती। इंस्पेक्टर सर प्लीज आपको मेरी बात सुननी है। देखिए आपको पुलिस कंप्लेन करनी है तो पुलिस स्टेशन चलिए। नहीं इट्स ओके। और तुम दोनों रिपोर्टर होंगे अपने घर के, समझे? किसी का पीछा करना क्राइम होता है, पीछा करना बंद करो। राधा कहाँ है? राधिका अब भी यहीं पे थी। आप आ गए रेयांश, देखिए ना ये बरसाते जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चलिए मुझे भी ले चलिए अपने साथ, जहां सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं, ना मयंक, ना रेवती, ना आपकी मॉम, ना मेरे डैडी, कोई नहीं रेयांश, सिर्फ हम दोनों। चलिए ना, आप भी मेरे बिना अधूरे हैं ना, मुझे अपने साथ ले चलिए रेयांश। अबे आके खोल के गाड़ी चला। नहीं, 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 नहीं। गाड़ी चलाने का नहीं, घर पे बैठ। देखते नहीं हैं ये लोग, सो रहते हैं क्या चलाते हुए? क्या है बे? क्या है? मेरे बाप ने गाड़ी खरीद के दी है। हाँ बे मेरे बाप ने गाड़ी लेके दी है, ऑफिस भी लेके दी है, क्या कर लेगा तू? छोटा मोटा आदमी समझ रहा है क्या? क्या कर लेगा तू? पता मेरा बाप कौन है? तेरी माँ को नहीं पता तेरा बाप कौन है? मेरे बाप से पूछना। पानी पियो। बेटा ठीक हो ना तुम?
अरे भाई ये लड़ना बंद करो, आगे एक लड़की चक्कर खा कर गिर पड़ी है, पीछे एम्बुलेंस भरा हुआ है, अरे मर जाएगी वो। जिसको मरना है मरने दे। अरे कैसे आदमी हो यार, अरे लड़ना बंद करो यार। अरे इन दिल्ली के लॉन्डो को इतना गुस्सा क्यों आता है? इनको समझाओ कोई, कंट्रोल में रहे ये। नाराज मुझसे हो पर गुस्सा पूरी दुनिया पर निकाल रहे हो। तुम्हें क्या परवाह, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ उस आदमी के पास जिसके लिए मुझे छोड़ दिया। मुझे बदनाम करा, अब तमाशा दिखा रहे हो, यही था आपका प्यार? मैंने तुम्हें कितना चाहा और तुमने मुझे धोखा दे दिया। आपने मुझसे सब छीन लिया। देखने दो तमाशा, दो बर्बाद दिलों का। नफरत है मुझे तुमसे, अपने आप से, पूरी दुनिया से, सब खत्म कर दूंगा मैं। तो कर दो, सामने खड़ी हूं मैं, कर दो। आपको कौन रोक पाया है? जिससे नाराजगी है उसे सजा दो ना, दूसरों को क्यों दे रहे हो? संभल के बेटा, ठीक हो ना तुम? बेटा ठीक हो ना तुम? हम लोग घर छोड़ देते हैं तुमको। मेरा कोई घर नहीं है। घर नहीं है, कोई तो होगा ना इस शहर में तुम्हारा अपना। हेलो दी, दी आप कहाँ पर हो? दी प्लीज घर पे आओ ना। मैं उस घर में दोबारा नहीं आऊंगी जागृति। दी मुझे आपसे मिलना है। बाबा आपके लिए खाना लाया था, कुछ तो खा लो। अरे बाबा जैसे बचपन में अपने हाथ से खिलाया करता था वैसे ही खिला दूं क्या? बाबा थोड़ा तो खा लो। नहीं चाहिए मुझे। नहीं खाएगा वो, आज उसके हलक से निवाला नहीं उतरेगा। ले जाइए। पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हारे कमरे में भी गई थी, वहां भी नहीं थे। पता है आज बहुत सालों बाद तुम्हारे कमरे में गई थी, शायद पिछली बार गई थी जब तुम एक साल के थे। जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हारी पूरी नर्सरी मैंने पेंट की थी अपने हाथों से, शाइनोज, बफलोज, एलिफेंट्स, पूरी दीवार को जू बना दिया था। एंड यू वर सो हैप्पी। अच्छा तो आपको एक साल की बेजुबान बच्चे का ख्याल था, ये भी सही है। ठीक वैसे ही जैसे लोग अपने घर में एक कुत्ते के लिए साइड में एक कैनल बनाते हैं और वो वहां पड़ा रहता है और उस पे धीरे धीरे हड्डियां फेंकते रहते हैं, तो मैं भी आपके लिए वैसे ही रहा हूंगा। नहीं रे आज, मैंने तुम्हें कभी कोने में नहीं रखा, हमेशा मेरे साथ रखा, कंधे से लगा के। जब गजल भी गाती थी तो तुम्हें भी सिखाती थी। तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत थी ना, मुझसे विरासत में मिली थी, लेकिन तुमने कभी रियाज किया ही नहीं। नफरत थी मुझे उन गजलों से, उस संगीत से। किसी और के लिए बचता था। संगीत मेरी विरासत थी रियांश, और सब तुम्हारा ही था। अगर तुम गाना सीखते तो शायद मेरे करीब रहते। तो मैं आपके करीब था एक हम। हमेशा। तुम हमेशा मेरे करीब थे। माँ हो तुम्हारी रियांश, मेरे शरीर का हिस्सा हो तुम, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहता।
तुम हमेशा से मेरे करीब थे। अब बात को घुमा रही, हम भी उसी की तरह है। नहीं रेहांश, उसने कुछ नहीं किया है, उसे दुश्मन दो। आज तुम जो भी हो, तुम्हारे अंदर का ये जहर मैं जिम्मेदार हूं। मैंने तुम्हें माँ का प्यार कभी दिया ही नहीं, तुम्हें मैंने तोड़ा है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।